नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, ओला उबर की काफी सारी ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। कई बार कस्टमर को ये चूना लगा चुके हैं और कई बार ये खुद जो कैब ड्राइवर होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं या फिर बाइक ड्राइवर होते हैं, उनको भी चूना लगा चुके हैं। ऐसा ही मामला एक और सामने आया है दिल्ली से। एक उबर कैब ने 21 किलोमीटर के सफर के लिए 1525 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1525 रुपए 21 किलोमीटर के। आप समझ सकते हैं, अगर 21 किलोमीटर के 1525 रुपए लिए जाते हैं तो वो किराया कितने किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा? क्या ये संभव है? कभी आपने लिया है 21 किलोमीटर का 1525 रुपए? अगर नहीं तो अभी मैं आपको बताता हूँ 21 किलोमीटर के 1525 रुपए कैसे उबर कंपनी ने बना दिए। तो जानकारी को डिटेल में बताने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी डिटेल में खबर को बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर है मैं आपको News18 हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं 21 किलोमीटर सफर के लिए उबर ने चार्ज किए 1525 रुपए। कंपनी को शिकायत करने पर आया हैरान कर देने वाला जवाब। उबर ने बताया कि इस तरह के मामले या शिकायतें उठाई जाती हैं तो यूजर को तुरंत उसके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी ग्राहक ने कैब बिल के बारे में शिकायत की है। लोग अक्सर उबर और ओला जैसी विभिन्न कैब कंपनियों द्वारा यात्रा के लिए काफी अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत करते हैं। स्पर्श गुप्ता नाम के एक दिल्ली के निवासी ने भी अपने कैब बिल के बारे में ट्वीट किया था और कहा था कि सफर के अंत में उन्हें जो बिल मिला शुरुआत में दिखाई गई बिल से 3 गुना अधिक। तो शहरों में आजकल कैब से सफर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कैब से यात्रा करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनसे कम दूरी के लिए भी ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ऐसा हैरान करने वाला एक मामला दिल्ली में सामने आया है जिसमें एक महिला ने उबर कैब को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चितरंजन पार्क के लिए बुक किया था। ड्राइवर ने 21 किलोमीटर यात्रा के लिए 1525 रुपए ले लिए। महिला ने कंपनी के साथ इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया और उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया मिली जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार उबर के प्रतिनिधियों ने महिला को बताया कि बढ़े हुए बिल के पीछे का कारण जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में, जो जीपीएस होता है उसके ट्रैकिंग सिस्टम में कोई कमी थी। महिला को सवारी के अतिरिक्त शुल्क को कवर करते हुए 900 रुपए वापसी की पेशकश की। जब ये महिला ने कंप्लेंट की उबर वालों को तो उनको 900 रुपए वापस करने की उन्होंने पेशकश की। इसके अलावा रिफंड महिला के उबर वॉलेट में उबर कैश के रूप में जमा किया गया था। इसका उपयोग केवल भविष्य में उबर की सवारी के लिए किया जा सकता था। तो दोस्तों, जब महिला ने इस बात की कंप्लेंट की उबर कंपनी को कि 21 किलोमीटर के 1525 रुपए ले लिए, तो जो कंपनी वाले थे उन्होंने 900 रुपए उनको वापस किए, लेकिन वापस किया उनके उबर वॉलेट में। वो जो उबर वॉलेट होता है उसको अगली बार आप उबर की कैब बुक करेंगे तो उसमें आप उसको यूज में ले सकते हैं, कैश में इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। जब कंपनी ने बिल के विवरण की जांच की तो यह पाया गया कि बिल में एक उत्तर प्रदेश अंतरराज्यीय शुल्क शामिल था, लेकिन महिला ने राज्य की सीमा को पार नहीं किया और शहर के भीतर ही यात्रा की। बिल में नगर निगम टैक्स भी शामिल किया गया था और 2 बार लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि MCD टोल टैक्स केवल उन वाणिज्य वाहनों पर लगाया जाता है जो दूसरे राज्य से दिल्ली में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने MCD का जो टोल होता है वो लगा दिया, वो भी डबल लगा दिया। इससे जो है उनका किराया काफी ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी से, जितने भी ड्राइवर हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर ऐसी कभी भी कोई समस्या पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत अपने कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके ये सारी जानकारी देनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको सवारी से लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करनी है। और अगर सवारी आपसे लड़ाई झगड़ा बहस करती है तो हो सके आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर ले, आगे आपके काम आएगा। क्योंकि कंपनी कभी भी आपके ऊपर कोई भी ब्लेम लगा सकती है तो आप उसको सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहेगी। और दिल्ली के नागरिकों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ऐप बेस्ड, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, कैब हो, कुछ भी अगर ऐप बेस्ड अगर आप यूज करते हैं तो कभी भी अपना जो पेमेंट है उसको कभी भी ऑनलाइन मोड पे ना रखें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड पे रखेंगे तो जब भी आप गाड़ी से उतरेंगे और राइड को एंड करवाएंगे तो आपके पैसे अपने आप कट जाएंगे। अब कितने कटे कितने नहीं कटे आपको नहीं पता होगा। कुछ लोग तो मैसेज को देख लेते हैं, हाँ मेरे इतने पैसे कटे हैं, लेकिन कुछ लोग मैसेज को नहीं देखते कि कितना किराया कटा है, तो इससे काफी ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। हमेशा ऑफलाइन मोड में ड्राइवर को पैसे दे, इससे आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जिस प्रकार से इन महिला ने जो कंप्लेंट की है, आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, ये जो पैसे लिए जाते हैं ये कंपनी वाले लेते हैं, ड्राइवर नहीं लेता। ड्राइवर को सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी उसने गाड़ी चलाई हो, इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है।
क्योंकि ड्राइवर सिर्फ उस ऐप के माध्यम से गाड़ी को चलाता है और जितना किराया ऐप दिखाता है उतना उसको लेना होता है। अगर वो उतना नहीं लेता है तो कंपनी उसके खाते में से पैसे काट लेती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।